प्रेज गॉड, वंडरफुल, हालेलुया। सुंदर समय के लिए, दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक एक दिन प्रभु हमें देते हैं, वो दिन भलाई करने के लिए देते, बुराई करने के लिए नहीं। आज मन में निर्णय लेना है, प्रभु मैं तो मेरा जीवन के स्वभाव में हमें परिवर्तन आना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसीह में भलाई करने के लिए सृजा गया, बुराई करने के लिए। पहले तो हमें सच्चाई को नहीं जानते थे, हमारी मन में बुराई था, जीवन में बुराई था, हमारी कामों में बुराई था, सब थे। लेकिन अब हम मसीह में नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गया, अब हम मसीह में भले ही काम करने के लिए सृजा गया। आज सुबह से हमारा मन में एक ही इच्छा होना है, जैसे मसीह इस पृथ्वी में पवित्र आत्मा और सामर्थ्य भरकर भलाई करते हुए दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को चंगा करते हुए चला, ऐसे भी हमें भी चलना है, हमें भलाई करना है। प्रभु उसके लिए, प्रभु सबको मदद करे। पिछले कल की वचन में हमने सुना था, हम परमेश्वर के यीशु मसीह ने जब फरीसी और शास्त्रियों को कुछ जवाब दे रहे थे, आपको मालूम है एक अंधे और गूंगे को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, उसमें दुष्टात्माएँ थी। तो इस बातों में हमें एक बात समझना है, कभी कभी कुछ व्यक्ति का जीवन में ऐसे कुछ बातें हैं, यहाँ पर देखते हैं वो अंधा भी था, गूंगे भी था। तो याद रख लेना, कुछ बातें दुष्टात्माएँ लोगों का जीवन में, जब हम देखते हैं तो अंधे, हम देखते हैं तो गूंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें दुष्टात्मा थी, वो कौन समझ सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर समझ सकते हैं, और परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर समझने के लिए मदद करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे बीमारी हो या ऐसी अवस्था हो, हमें यीशु मसीह का नाम से कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिया उसको चंगा करने के लिए। तो आप और मैं प्रभु की आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरकर ऐसे ऐसे लोगों को चंगाई, छुटकारा देने के लिए प्रभु हमें चुना है। विश्वास करें, यीशु ने कहा मैंने जो किया वो काम तुम भी मेरा नाम से करेगा, मैं पिता का पास जाता हूँ उसे भी अधिक करेंगे। मेरा विश्वास है आपको और मुझे परमेश्वर ने इस पीढ़ी में ऐसा काम करने के लिए चुना है, दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को आज़ादी देने के लिए। हमने पिछले दिन कहा था जब ऐसे कार्य करते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, यहाँ पर यहूदी लोग, फरीसी और शास्त्री लोग यीशु मसीह को देखकर बोलते ये तो दुष्टात्मा के सरदार से एक काम कर रहे हैं। यीशु उसको जवाब दे रहे थे, कोई भी राज्य, कोई भी नगर और कोई भी भवन परिवार अपने आप में लड़ेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। मेरा प्रियो, ये बातें कल हमने सीखा है, और हम यीशु मसीह यहाँ पर उसका मैंने कल पढ़ा था वो बातें पिछले दिन, तो 28वें पद में लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह इस धरती पर आया, यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवकाई में महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। आप समझ लेना, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग जीवन में बीमारियों में, दुख में, कष्ट में और अलग अलग प्रकार की परेशानियों में, जीवन श्राप में, गरीबी में जीवन बिताते हैं। हम उसको देखते हैं एक साधारण बात है, लेकिन यीशु मसीह दुष्टात्मा को निकालने के बाद अंधों को आंखें दिया और उसकी गूंगेपन को यीशु ने चंगा किया। यीशु मसीह कैसे किया? उसके अंदर की उसको गूंगा बनाया, अंधा बनाया हुआ दुष्टात्मा को यीशु ने निकाला। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का जीवन की परेशानी का कारण, दुख का कारण, ऐसे जो अवस्था का कारण अशुद्ध आत्मा है, दुष्टात्मा है, उसको निकालने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को प्रभु अधिकार दिया। और इतना नहीं है, जब दुष्टात्मा उस व्यक्ति के जीवन से निकल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का राज्य यहां पर आ पहुंचा है। तो उसका मतलब उस व्यक्ति परेशानी में, दुख में, उस बीमारी में, उस कष्ट में जब जीवन बिताते हैं, उसका मतलब शैतान उनके ऊपर हावी होकर, शैतान उनके ऊपर राज्य कर रहे थे। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का पुत्र शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रकट हुआ है।
मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ और यीशु मसीह का पर विश्वास करने वाला आपको और मुझे परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया है, और हम इस बातों को समझना है, वो काम परमेश्वर हमारा जीवन में जिम्मेदारी दिया है, जो यीशु ने जो किया वो काम कलीसिया करे। और हम, मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे परिस्थिति में है, आप अपने जीवन में समझ लेना, आप खुद लड़ना है, शैतान आपके परिवार में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर शैतान के ऊपर जय की घोषणा किया। यीशु मसीह शैतान को खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाकर जय जयकार की ध्वनि सुनाया। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपका जीवन में छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे, और छुटकारा और चंगाई देने का अधिकार भी। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनका द्वारा ये चिन्ह होगा, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, हम इन बीमारों को चंगा करेंगे, अंधों को आंखें देंगे, कोढ़ियों को शुद्ध करेंगे, मुर्दों को जिलाएंगे। कलीसिया वो ही है। मैं विश्वास करता हूँ इस पीढ़ी में और इस 2024 आगे के समय एक रिवाइवल का समय, एक बेदारी का समय, बहुत सारे छोटे बच्चों का द्वारा भी प्रभु ऐसे कार्य करने जा रहे हैं। ये प्रार्थना यहाँ पर इन दिनों में चल रहा है, उसका द्वारा शैतान का ग्रिप टूट रहा है, बहुत सारे लोग उस बंधनों में आज़ाद होने जा रहे हैं। हम इन परमेश्वर का राज्य जगह जगह प्रकट होने जा रहे हैं, परमेश्वर का राज्य लोगों का जीवन में प्रकट होने जा रहे हैं। वो कार्य के लिए परमेश्वर आपको चुना है। मेरा साथ एग्री करके बोलेंगे, यस मैं तैयार हूँ। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरी आवाज़ सुनने वाला हर एक प्रत्येक जन इन दिनों में पवित्र पवित्र आत्मा से भरे, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, कलीसिया पवित्र आत्मा से भरे और अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा देने में, बीमारों को चंगा करने में सामर्थ्य होकर आगे बढ़े। आज मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे बंधनों में है, आज यीशु के नाम से वो व्यक्ति आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा सहायता करे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम में आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।